मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के सालीचौका क्षेत्र में महिला के साथ घर में घुसकर छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस की सुस्ती के चलते घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी अभी तक खुले घूम रहे। हिंदू महासभा शक्ति संघ की प्रदेश अध्यक्ष कलावती गौर ने बताया कि पुलिस को शिकायत के बाद 7 दिन बीत गए पर पुलिस अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ पाई, जिसके बाद पीड़ित ने नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक को शिकायत की और आरोपियों पर जल्द कार्यवाही की मांग की है। विश्व हिंदू महाशक्ति संघ की प्रदेश अध्यक्ष कलावती गौर द्वारा राधा कृष्ण मंदिर में संगठन की सभी महिलाओं को एकत्रित कर सालीचौका पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाकर मुख्य रास्ते से रैली निकालकर सालीचौका पुलिस चौकी में 1 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। वहीं आरोपियों को 1 दिन में गिरफ्तार करने की बात की है। नरसिंहपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। वहाँ पर एक लेडीज के साथ छेड़खानी हुई है और आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, अभी सभी दोनों आरोपी जो हैं लापता में हैं। पुलिस कोई प्रशासन ने अभी तक ऑप्शन नहीं उठाया है और न ही वो पकड़ाए हैं। अभी आपकी पुलिस प्रशासन से बात हुई, उनका क्या कहना है? कल तक का टाइम दिया है, बोला है कल तक अगर आरोपी नहीं मतलब पकड़ाने के लिए तो नहीं पकड़ाएंगे तो हम परसों फिर धरना पे बैठेंगे। हमें कल तक का टाइम दिया है उन्होंने। जी, आगे भी आप आंदोलन रख रहे हैं? बिल्कुल, अगर कल तक आरोपी नहीं पकड़ाएंगे हम फिर भी परसों फिर धरना पे बैठेंगे और जब तक आरोपी नहीं पकड़ाएंगे तब तक हम ये काम अपना जारी रखेंगे। जी नहीं, हमारी गाडावारा में थाने में सुनवाई नहीं हुई। मेरे साथ छेड़छाड़ का घटना हुआ, छेड़छाड़ी का मैं एसपी साहब के यहाँ आई हूँ आवेदन लेने के लिए। मैं मेरे मायके गई हुई थी अर्जन गांव खिरिया। 29 जून रात शनिवार की घटना है। एक गिरफ्तारी के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं हमारे तरफ, पुलिस के द्वारा सभी प्रकार के जहाँ जहाँ हमें लग रहा है संभावित स्थानों पर उनकी तलाशी और दबिश दी जा रही है। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी कर दी जाएगी।